नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 134वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय संगोष्ठी गणित का सभी साइंस में क्या महत्व है इस विषय पर आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने किया, जबकि नोट स्पीकर राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर के डॉक्टर AS बनियाल रहे। इसके अलावा विशेष तौर पर कैलिफोर्निया से आमंत्रित इंजीनियर आरुषि सहगल ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। राज्य स्तरीय एक दिवसीय संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, सामाजिक प्रशासन सहित अन्य विषयों में गणित का क्या महत्व है इस पर प्रदेश के शोधार्थी, शिक्षाविद, इंजीनियर और डॉक्टरों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। राज्य स्तरीय एक दिवसीय संगोष्ठी में छात्रों के लिए राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर MS मिश्रा, GS राणा सहित अन्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। राज्य स्तरीय संगोष्ठी के संरक्षक कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंजुम बत्ता सहगल रही। उन्होंने बताया कि गणित का सभी साइंस में क्या महत्व है इसके ऊपर सभी ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्रदेश भर के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस संदर्भ में ऑनलाइन निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। इनमें 15 से 20 महाविद्यालयों के करीब 60 से अधिक शिक्षक और छात्रों ने इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में भाग लिया। आज के इस शुभ अवसर पर जब हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं पूरे नेशन के मैथमेटिशियंस को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे महाविद्यालय में लगभग 60 से अधिक पार्टिसिपेंट्स और भी महाविद्यालयों से आए हैं जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि हमारे ऑनरेबल डेप्टी कमिश्नर मैडम मिसिज देवश्वेता बानिक जी ने के कर कमलों से हुआ है। और कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर AS बनियाल, जो कि राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर के प्रिंसिपल हैं, और एक स्पेशल इनवाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो से इंजीनियर आरुषि सहगल ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें मैथमेटिक्स इन डिजीज डिटेक्शन के ऊपर खास स्ट्रेस दिया गया। और मेन विषय रहेगा आज कि मैथमेटिक्स का सभी साइंसिस में रोल क्या है, वॉट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन अदर डिसिप्लिन्स एंड अदर साइंसेस। तो इसके ऊपर स्ट्रेस देते हुए हम मैथमेटिक्स ओलंपियाड भी करवा रहे हैं, क्विज भी करवा रहे हैं। लगभग काफी महाविद्यालयों से, 15-20 महाविद्यालयों से हमारे पास विद्यार्थी क्विज में और ओलंपियाड में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, और हमारे सत्र कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं। धन्यवाद। वहीं कंप्यूटर साइंस कैलिफोर्निया से आई इंजीनियर आरुषि सहगल ने बताया कि किसी भी बीमारी को देखने के लिए गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। गणित आज के टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जा रही है। अस्पतालों में कोविड को लेकर जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो भी गणित के आधार पर आधारित हैं। यही नहीं, कोविड महामारी में लोग कैसे संक्रमण फैला सकते हैं इस पर भी गणित ने अहम रोल अदा किया है। तो जैसा आपने अभी मुझसे पूछा, किसी भी बीमारी को देखने के लिए और उसे डिटेक्ट करने के लिए गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे कि मैंने अपने टॉक में भी अभी कहा, गणित इस चीज़ के लिए, जिस हमारे आज की टेस्टिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। हम रोज जो टेस्ट करते हैं लोगों की जांच करने के लिए कि वह कोविड पॉजिटिव है या नहीं, वह भी गणित के ऊपर ही बेस्ड है। यह पाने के लिए कि कौन से लोग किसके संपर्क में आए हैं और किसे कोविड फैला सकते हैं, उसके लिए भी गणित का एक बहुत ही बड़ा प्रयोगदान है। इसके अलावा और भी कई बीमारियां जिससे हम रोज जूझ रहे हैं, जैसे कि कैंसर, उसका इलाज निकालने के लिए भी गणित का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस करके मेरा मानना है कि गणित को समझना और उसे आगे लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी हम अपनी इन बीमारियों और अपनी इन परिस्थितियों के बारे में कुछ कर सकते हैं।